हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू पाइथन सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियली के बारे में। देखिए, जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो पाइथन आपको एक आईडी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है आइडियली। अब ये आईडी होता क्या है? आसान शब्दों में मैं बता दूं तो आईडी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एंड इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पाइथन के प्रोग्राम्स कोड्स लिखते हैं। आईडी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आपको बहुत सारे फीचर्स एंड एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप कोड्स को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपाइलेशन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, डीबगिंग एंड टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है। तो आईडी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड फॉर राइटिंग कोड्स। नाउ अब बात करते हैं आईडीली के बारे में। आईडीली पाइथन के द्वारा प्रोवाइड की हुई एक आईडी होती है। आइडियली का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो आइडियली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स। तो ये लर्निंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसे प्रोफेशनली यूज नहीं किया जाता, ये लर्नर्स के लिए है। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पाइथन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आप आइडियली का यूज कीजिए। लेकिन थ्रू आउट दिस सीरीज मैं यूज करने वाला हूँ वीएस कोड, तो आप वीएस कोड का भी यूज कर सकते हैं एंड आइडियली का भी यूज कर सकते हैं। आइडियली हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम पाइथन के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। फर्स्ट तरीका है यूजिंग इंटरैक्टिव शेल एंड सेकंड तरीका है यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। तो इंटरैक्टिव शेल कुछ इस तरह से दिखता है, एंड पाइथन एडिटर, इसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल, यहाँ पे हम बनाते हैं इस एडिटर में, ये कुछ इस तरह दिखता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं एंड इसे कैसे यूज करना है वो भी जानते हैं। आइडियली को ओपन करने के लिए आपको सर्च बार में आना है और यहाँ पे आइडियली लिख के सर्च करना है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है तो आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इंश्योर कीजिए कि आपने पाइथन इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में। अगर नहीं किया है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए और कैसे इंस्टॉल करना है वो सीखिए। आइडियली पे क्लिक करना है और ये आइडियली आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आइडियली ओपन हो गया है। अब ये ओपन हो गया है पाइथन का शेल, ये हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, और शेल पे आप स्मॉल लाइंस ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक तरीका है पाइथन इंटरप्रेटर के साथ इंटरैक्ट करने का। यहाँ पे आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखना है, आपको प्रिंट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखना है और देखिए एंटर करने के बाद आपको तुरंत ही आउटपुट दिया जाएगा। ये देखिए मैं 2+3 करता हूँ, 2+3 एक वैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। एंटर करने के बाद तुरंत ही आउटपुट आ रहा है 5। शेल पे आपको प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा, एज सुन एज मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आउटपुट दिखाई देगा 6। यहाँ पे आप स्मॉल लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उनका आउटपुट देख सकते हैं, लेकिन बड़ी फाइल बनाने के लिए, बड़ा कोड लिखने के लिए आपको एडिटर यूज करना पड़ेगा। आपको एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट करते समय भी आपको फाइल्स बनानी पड़ती है। पाइथन की फाइल बनाने के लिए आपको फाइल ऑप्शन में जाना है, आप कंट्रोल एन शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, और न्यू फाइल बनानी है। ये यहाँ पे एडिटर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप कोड को सेव कीजिए, फाइल पे जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पाइथन फाइल का नाम देना है। फिलहाल के लिए मैं हेलो देता हूँ और एक्सटेंशन देना है .py। .py पाइथन का एक्सटेंशन होता है, और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सेव पे हिट करना है। अब ये आपका पाइथन फाइल बन जाएगा hello.py। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ मैं और उसके अंदर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, सिंपल। कंट्रोल एस प्रेस करना है, फाइल ऑप्शन में जाकर भी आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे सेव, और इसे रन करने के लिए ये रन ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आप F5 की का भी यूज कर सकते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए आपको यहाँ पे हेल्प ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाके आप पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है। ऑप्शंस में जाकर आप आइडियली को कॉन्फिगर कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का। आइडियली का जो इंडेंटेशन होता है वो होता है 4 स्पेसेस का। अभी इंडेंटेशन क्या होता है इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे, तो उस इंडेंटेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शंस कॉन्फिगर आइडियली।
पाइथन शेल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग पर्पस। आप वक्त बिताएंगे आइडियली के साथ तो आप आइडियली को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये पाइथन सीरीज़ का एक वीडियो है, आप पूरी पाइथन सीरीज़ देख सकते हैं, जाइए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए, उसको फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।